नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जश्न आज़ादी बीसीएन न्यूज प्रेजेंट्स इस खास सेगमेंट में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं मेरी और बीसीएन की पूरी टीम की ओर से। और आज आज़ादी का दिन है, जानना चाहेंगे आज हम हमारी जितनी भी जनता है उनसे कि आखिरकार आज़ादी उनके हिसाब से है क्या। साथ ही पूछेंगे उनसे कुछ सवाल देश से जुड़े, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके का जवाब वो हमें देते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? अंग्रेजों से जब 1947 में 15 अगस्त की आज़ादी मिली थी तो उस आज़ादी का जश्न के तौर पर हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। हालांकि पता नहीं मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। वाह भाई साहब, कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। स्वतंत्रता दिवस में ये फ़र्क है कि हम उस दिन आज़ाद हुए थे, और गणतंत्र दिवस में ये हुआ था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हुआ था। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला सवाल आपसे कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत उम्दा। अगला सवाल आपसे कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट कौन? लाल बहादुर शास्त्री आई गेस। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, बहुत अच्छा। फ्लैग में जो चक्र होता है? अशोक चक्र। बहुत बढ़िया, ओके। और एक सवाल आपसे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इन दोनों में डिफरेंस क्या है? राष्ट्र, ये रोहित अच्छे से देगा इसका आंसर। सर राष्ट्र, नहीं नहीं, आपसे पूछे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में डिफरेंस है। राष्ट्रगान कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गाया है उन्हें बचपन में बहुत। हाँ, बहुत बार। अच्छा, राष्ट्रगान के? राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगान जनगण मन। अभी राष्ट्रगीत के? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान किसके लिए? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या लिखा होगा? जन गण मन ये लिखा है। मतलब पता चल गया मुझे कितना। अच्छा, एक आखिरी सवाल दोनों से रहेगा मेरा ये कि आपके हिसाब से आज़ादी क्या है? आज़ादी क्या है? आज़ादी वो है जहाँ हम खुलकर पढ़ाई कर सके, जहाँ हम लोग खुलकर अपनी भावना व्यक्त कर सके, और इसी वजह से हमको आज़ादी दी गई थी, और मेरे हिसाब से तो ये है आज़ादी। आप अंजले, अरे अंजले, अंजले, अरे अंजले, मैं तुम। अच्छा, अगले कुछ दिनों में एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस आ रहा है, 15 अगस्त, हर किसी को पता है, तो इसी से जुड़ी कुछ सिंपल बातें शुरुआत आपसे करूंगी कि इस 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मतलब ये होता है कि हमारे देश को स्वतंत्र हुआ था, और 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा जो संविधान था, हम उसको राज्य घटना बोलते हैं या उसको संविधान बोलते हैं, तो 26 जनवरी को हमें अपना जो संविधान था वो लागू हुआ था, और स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं 15 अगस्त को क्योंकि जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से। बहुत अच्छी इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है, फुल ऑन फुल मार्क्स इसमें हम आपको देते हैं। अगला सवाल आपसे है कि इंडिपेंडेंस हमें मिला किस साल में? हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। 1947, श्योर? हाँ, श्योर, पक्का श्योर। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस साल बना? 1962 में। कॉन्स्टिट्यूशन शायद 1957 में बना और लॉन्च 1962 में हुआ। 26 जनवरी जिस दिन हमको गणतंत्र दिवस हमने फर्स्ट टाइम मनाया था तो वो 1952 या 62 62 में था। वही सवाल आपसे कि जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो किस साल बना था? 26 जनवरी 1952, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह 1952 में। अच्छा, ठीक है, हम क्वेश्चन चेंज करते हैं और
अगला सवाल आपसे ये है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हम दोनों गाते हैं, अच्छा तो इसमें फर्क क्या? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत जो बोलते हैं अपन उसे जो जनगण मन होता है वो राष्ट्रगीत कहते हैं उसे, और राष्ट्रगान ये है कि वंदे मातरम जो बोलते हैं अपन उसे राष्ट्रगान बोला जाता है। तो ये जो राष्ट्रगान है ये किसने लिखा है? राष्ट्रगान राष्ट्रगान लिखा है मुझे उतना तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि राष्ट्रगीत हमारे रविंद्रनाथ जी टैगोर ने लिखा है, और राष्ट्रगान के बारे में थोड़ा मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। अगला सवाल आपसे कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देश के पहले प्रेसिडेंट? प्रतिभा पाटिल, सॉरी वो तो कट। ये तो अच्छी बात है ना, अबे काटना मत इसको, कट दिया पता नहीं, एक मिनट वो है मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। गुड। एक आखिरी सवाल आप तीनों से, 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो आजादी का ये दिन है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से आजादी क्या है? शुरुआत आपसे। अभी के समय के लिए जो कोविड पॉजिटिव हुए लोग उनके लिए कुछ, जो अनाथ हुए हैं बच्चे उनके लिए कुछ करने की, तो ये चीज़ इस तरह से अगर आजादी करते हैं तो एक कर्तव्य पालन अपन कर सकते हैं, सभी जनों ने मिलकर करेंगे, साथ मिलकर तो एक अच्छा संदेश जाएगा। आपके हिसाब से आज़ादी क्या है? मेरे हिसाब से आज़ादी इसे कहेंगे कि फ्रीडम तो अपन कहते हैं आज़ादी को, पर अभी जो देश का जो हाल हुआ है, अभी जो कोरोना हुआ है इसके बाद जो हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी अपन फ्रीडम है उतना जो लोगों के लिए। फ्रीडम ये होना चाहिए कि सबको सबको समान अधिकार, मैं इसे कहूँगा आज़ादी उसे कहूँगा, समान अधिकार, मूलभूत अधिकार, समानता का अधिकार, इसे मैं आज़ादी कहता हूँ। आपके हिसाब से आज़ादी क्या? आज़ादी क्या है यार? मेरे हिसाब से आज़ादी ये है कि लाइक लड़कियों पे जो दबाव डाला जाता है, ठीक है, तो लाइक आई एम अ वुमन, तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगी कि औरतों को जो फ्रीडम नहीं मिला जाता, तो जो मिलना चाहिए एक्चुअली, तो अगर वो मिलता है तो वो आज़ादी होती, वो इंडिपेंडेंस। कुछ सवाल आपसे जुड़े, देश से जुड़े जितने भी सवाल है वो मैं आपको पूछने वाली हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल है कि ये 15 अगस्त अभी आ रहा है, तो इस दिन हम कौन सा दिन मनाने वाले? स्वतंत्रता दिन, इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो ये इंडिपेंडेंस डे जो हम मनाते हैं ये हम क्यों मनाने वाले इस बार? अच्छा सवाल है आपका, उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ मैं कि आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल में किसान गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करने जाता है खुद का, जो व्यवस्था उसके लिए है, लेकिन 353 उसी पे दाखिल होता है, ये स्वतंत्रता नहीं है, इस पर शासन ने ध्यान देना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि हम लोग, अगला सवाल मेरा आपसे है कि हम लोग आज़ाद हुए, किस साल हम लोग आज़ाद हुए, कौन सा ईयर था हमारा इंडिपेंडेंस का? 1947। अगला सवाल आपसे है कि हम राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों गाते हैं, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में डिफरेंस क्या है? राष्ट्रगान अपना जनगण मन है और राष्ट्रगीत है अपना नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का है वंदे मातरम। श्योर श्योर। अच्छा अगला सवाल मेरा आप दोनों से ये है कि जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमें पहले प्रधानमंत्री भी मिले, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी पंतप्रधान, राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले पंतप्रधान, सॉरी। आप श्योर हैं इस बात जो उन्होंने बोला है वो? राष्ट्रपति जी थे
राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे पहले प्राइम मिनिस्टर। 15 अगस्त का दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जानना चाहूँगी आपसे कि आपके हिसाब से मतलब 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं? मैम पंद्रह अगस्त हमारी आज़ादी का ये दिन है। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अभी हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मीन्स कि 75 साल पहले हम लोग ग़ुलाम थे। इसकी खुशी में 75 साल पहले हम लोग ग़ुलाम थे इसकी खुशी में हर जगह आयोजन होता है, छुट्टी रहती है, लोग इंजॉय करते हैं और फेस्टिविटी रहता है। हम लोगों को एहसास होता है कि वी आर इंडिपेंडेंट नाउ। ये ऐसे है और क्या पूछना चाह रहे हैं? जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि 75 साल पहले हमें आज़ादी मिली थी, तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा बनाया गया, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ये कब बनाया गया? मुझे ऐसा लगता है शायद ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में वो एक कमेटी बनी थी बाबा भीमराव अंबेडकर के इसमें चेयरमैनशिप में, और ये 1951 को शायद अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जैन को पास हुआ, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी पता नहीं कि क्या करेक्ट है, आप ही बताइए। अच्छा, अगला सवाल आपसे ये कि इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू। हाँ अच्छा, हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, चूँकि मुझे अच्छे से याद है कि वो भी बिहारी हैं थे और मैं भी बिहारी हूँ, तो मुझे तो याद ही रहता है। अच्छा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे तिरंगे में एक चक्र है, उस चक्र को क्या कहते हैं? उस चक्र को इसे अशोक चक्र बोलते हैं, और उसमें जो 12 वो जो 24 ये है वो 24 आवर्स को डिनोट करता है कि वो उसको इस तरह से वर्क करना है अपने को। अच्छा, एक आखिरी सवाल दोनों से कि 75 साल आज़ादी को पूरे हो चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से आज़ादी क्या है? आज़ादी मीन्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस हर इंसान को अलग अलग तरीके से जीने का ये है, तो वो कैसे जीना है वो। मेरे हिसाब से आज़ादी हुआ फ्रीडम टू एक्सप्रेस, यानी हम लोग अगर आज़ाद हैं तो हम लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं। मगर अभी जिस तरीके से माहौल है, एक तो कोरोना है उसके कारण से आदमी ऐसे ही ये आप बोलो कि स्ट्रेस में रहता है, घर पे रहता है। बाकी जिस तरह से डिसइंटीग्रेटेड अपनी सोसाइटी हो रही है वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो इंडिया का खूबसूरती ही है कि बोला जाता है कि एक गुलदस्ता है जिसमें बहुत सारे फूल हैं, उसमें एक फूल रह नहीं सकता। मगर अभी जिस तरीके से स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन्स को एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रहा है, एजुकेशन नील हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको है नहीं, आप पे केसेस लॉन्च होते हैं, तो वो अपने लिए बहुत दुखद है। और इस चीज़ को हम लोग चाहेंगे कि हम लोग ऐसा इंडिया दे जिसमें जहाँ की सब कोई को अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, जो कि अभी मुझे नहीं लगता है, मुझे यही कहना है। तो मैं आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं महसूस करता हूँ। हाँ, अभी भी स्त्री को आज़ादी नहीं है, अभी भी कहीं जाती है तो वो ये सेफ नहीं रहती है, अभी भी उसको डर रहता है कि रात में अगर से कहीं कोई जाती है तो उसको वो सेफ महसूस नहीं करती है खुद को। या बीसीएन न्यूज़ चैनल को हमारे तरफ से ये स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू मैम। बीसीएन के दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बीसीएन के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिन की। देश को स्वतंत्रता मिले 75 साल पूरे हो चुके हैं, आज भी आज़ादी के हर किसी के मायने अलग है। कोई कहता है कि आज़ादी जहां हर किसी को पढ़ाई लिखाई इन सारी चीज़ों की आज़ादी मिले, कुछ कहते हैं कि कोरोना काल में जितने भी रोगी हैं उनसे उनको आज़ादी मिल जाए, कुछ कहते हैं कि आज़ादी मतलब वुमेंस पावर एम्पावरमेंट हो। तो आज़ादी के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं, ये आज के हमारे इस एपिसोड में हमने जाना।
आज के हमारे इस एपिसोड में कई बातें हमने सीखी कि जहां लोग कह रहे हैं आज़ादी के बारे में, वही कुछ लोग अब भी हमारे देश के बारे में चीज़ें जानते नहीं है, जो ज़रूरी है कि हम लोग देश के बारे में जानें, हमारे देश की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में जानें। और साथ ही आज का आज़ादी का जश्न है जो देश के प्रति प्यार मोहब्बत, ये बस दिखाने का दिन होता है, साथ ही एक महसूस करने का दिन होता है कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने हमारे देश के लिए जो जान दी है उनको एक बार याद करें, उन्हें महसूस करें, ये दिन आज का होता है। तो इस आज़ादी के पर्व को हंसी खुशी अपने घर पे मनाइए, कोरोना का ध्यान रखते हुए जितनी भी पाबंदियां हैं उनका पालन कीजिए और आज़ादी के इस जश्न को मनाइए। फिर एक बार आप सभी दर्शकों को मेरी और बीसीएन की पूरी टीम की ओर से जश्न आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार।